हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं टेकी बाइट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा आपको खुश कर देगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और एक बहुत ही बड़ी अपडेट और आई है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन बेल को लेके, जो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी नोटिफिकेशन बेल की। फ्रेंड हमारे सब्सक्राइबर्स नोटिफिकेशन बेल तो दबा देते थे पर फ्रेंड्स उसके पास उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती थी। वीडियोज जब भी हम अपलोड करते थे तो उन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आती थी, तो फ्रेंड्स इसको लेके यूट्यूब पहले मना करता था, लेकिन फ्रेंड्स अभी हाल ही में कल जब उसने अपनी नई अपडेट दी है तो फ्रेंड्स उसने ये सारी गलतियां अपनी मान लिया और ये भी कह दिया है कि हमसे गलती हुई थी और हम वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल को लेकर क्या अपडेट्स हैं फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, और आप कैसे देख सकते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स ने आपकी बेल नोटिफिकेशन दबाई है कितनों ने नहीं दबाई है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। और ये अपडेट मैंने सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे दी है, तो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी मैं ऐसे ही ऑफर डालता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन बेल वाली अपडेट बता रहा था यूट्यूब की, तो फ्रेंड्स वो अपडेट ये है कि फ्रेंड्स अब जब भी हम कोई भी वीडियो वॉच करते हैं तो जब हम उसके नीचे सब्सक्राइब वाली बटन दबाते हैं तो उसके पड़ोस में जो बेल वाला आइकन आता है तो फ्रेंड्स जब हम उसको प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे होगा ऑल, पर्सनलाइज्ड एंड नन। तो फ्रेंड्स ऑल ऑप्शन में ये होगा कि जब हम कोई भी अपनी जिस चैनल को हमने बेल नोटिफिकेशन दबाई है तो उस चैनल की जब भी कोई भी वीडियो आएगी तो फ्रेंड्स वो हमें हमेशा अपडेट दिया करेगा यूट्यूब पर। फ्रेंड्स अगर आपने पर्सनलाइज्ड पे करा हुआ है तो फ्रेंड्स अब वो आपके जैसी आप वीडियोस देखेंगे उस हिसाब से यूट्यूब वो तय करेगा कि आपको नोटिफिकेशन इसका भेजना है या नहीं भेजना है। तो फ्रेंड्स नन वाला ऑप्शन ये है कि आप उस वीडियो की अपडेट आपके पास आएगी नहीं, आपका बेल दबाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फ्रेंड्स अब मैं आगे की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस परसेंटेज को चेक कर सकते हैं कि कितने आपके सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकन को दबाया है, कितने ने पर्सनलाइज पे दबाया, कितने ने ऑल पे दबाया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपके सब्सक्राइबर्स के व्यूज को कैसे अफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स पहले ये होता था कि किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती थी तो इस हिसाब से हमारे व्यूज कम आते थे, पर फ्रेंड्स ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि जिसके पास नोटिफिकेशन जाएगी तो फ्रेंड्स यूजुअली आप देख लेंगे वीडियो को। तो फ्रेंड्स यूट्यूब की तरफ से जो ये बहुत बड़ी अपडेट आई है नोटिफिकेशन बेल को लेकर, तो फ्रेंड्स उसकी एक और बहुत बड़ी बात ये है कि पहले जैसे कि हम लाइव स्ट्रीम करते थे जब, तो फ्रेंड्स हम उसमें शेड्यूल्ड मोड पे जब उसको अपलोड कर देते थे तो फ्रेंड्स ऐसा ही अब यूट्यूब ने जो है वीडियोस में भी कर दिया है। तो शेड्यूल्ड मोड पे जब भी हम अगर वो वीडियो को अपलोड करेंगे तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने रखा कि 8 बजे वीडियो को शेड्यूल होना है, पब्लिक करना है, तो फ्रेंड्स और 4 बजे हम उसको शेड्यूल मोड पे अपलोड कर देते हैं तो फ्रेंड्स 4 बजे दो नोटिफिकेशन सब जाएंगी। तो फ्रेंड्स 4 बजे जो पहली नोटिफिकेशन जाएगी उसमें फ्रेंड्स हमको हमारे सब्सक्राइबर्स को ये पता चलेगा कि 4 बजे ये आदमी अपनी वीडियो डालने वाला है, तो 8 बजे ये वीडियो अपनी डालने वाला है। तो फ्रेंड्स पहली नोटिफिकेशन तो उसको ये जाएगी कि ये जो है 8 बजे वीडियो अपलोड करने वाला है। तो फ्रेंड्स दूसरी भी अपडेट उसको तब जाएगी जब वो 8 बजेंगे तो फ्रेंड्स उसके पास दूसरी नोटिफिकेशन जाएगी कि अब इसने ये वीडियो पोस्ट कर दिए तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। यानी तो इससे फ्रेंड्स अब हमारे जैसे यूट्यूबर्स का डबल फायदा होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स अब उनके पास 2 बार नोटिफिकेशन जाएगी तो हो सकता है फ्रेंड्स वो पहले एक ही नोटिफिकेशन को देख के भले ही ना आते हो व्यू ना करते हो हमारी वीडियो को, पर फ्रेंड्स क्या पता आप दो नोटिफिकेशंस को देख के हमारी वीडियोस को जरूर वॉच करें। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं कि जो है अपने एनालिटिक्स बेल आइकन्स के कि कैसे कितने लोगों ने बेल आइकन्स को दबाया है, कितने ने नहीं दबाया। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउजर में youtube.com खोलना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स youtube.com में आपको YouTube बीटा वर्जन वाले
ऑप्शन पे जाना है, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको ओपन हो जाएगा और इसके बाद आपको फ्रेंड्स आप एनालिटिक्स मोड पे जब जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड, यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको दिख रहा होगा परसेंटेज कितने लोगों ने हमारे चैनल को बेल दबाया है, कितने ने नहीं दबाया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ एवरेज परसेंटेज देखने को मिल जाएगा कितने लोगों ने दबाया है बेल नोटिफिकेशन या नहीं दबाया। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये जो है अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे यूट्यूबर्स के लिए, बहुत ही हेल्पफुल होगी और अब हमारे व्यूज इंक्रीज होने लगेंगे। और पहले क्या होता था कि नई नोटिफिकेशन जाने के बाद तो कोई नहीं देखता था वीडियोस, लेकिन फ्रेंड्स अब ये बहुत ही जरूरी हो जाएगा उनके लिए भी वीडियो देखना, क्योंकि हर एक बार जब उनके पास नोटिफिकेशन आएंगे तो फ्रेंड्स पांच में से एक बार या दो बार या तीन बार जरूर वीडियो को देखना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ही ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप ऑल मोड पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिले हमारी हर एक आने वाली वीडियोज का। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।